मुकेरियां के एक शादी समारोह में उस समय हंगामा हो गया जब लड़की बालों की शिकायत पर लड़के बालों के खिलाफ पुलिस में लग्जरी गाड़ी मांगने का मामला दर्ज हुआ। होशियारपुर के मकेरिया में आनंद कार्ज करने के उपरांत दुल्हन को शादी वाली कार में दूल्हा परिवार इसलिए छोड़कर फरार हो गया क्योंकि दुल्हन परिवार ने दहेज की मांग को पूरा नहीं किया। विदेश से आए दूल्हे ने पहले तो शादी के लिए बुक करवाए गए मैरिज पैलेस में जाने से मना कर दिया और बारात लेकर गुरुद्वारा साहब करीब 3 बजे पहुंचे, जहां उन्होंने आनंद कार्ज की रस्म अदा की। उसके बाद लड़की को जबरदस्ती लेकर जाने की कोशिश करने लगे। लड़के का कहना था कि शादी वाले स्थान पर नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी दहेज की मांग को पूरी नहीं की गई। अंत दूल्हा अपनी बात ना पूरी होने के चलते दुल्हन को बहीं डोली वाली कार में छोड़कर भाग गए। लड़की के पिता ने मुकेरिया पुलिस को सूचित किया। लड़की के पिता सुभाष चंद्र के बयानों पर मामला दर्ज कर पुलिस ने दोषी परिवार की तलाश शुरू कर दी है। मैरिज आज तय थी, ठीक है, तो लड़कों वालों ने हमारे साथ रात से बिहेव जो है चेंज कर लिया, दहेज मांगने लगे हैं प्लस, और हमें सवेरे लड़के ने फ़ोन करके लड़की को कहा कि हम बारात लेके नहीं आ रहे। 12 बज के 45 मिनट 46 मिनट पर इस लड़के की माँ ने हमें डिमांड किया कि आप क्या दे रहे हो, दहेज क्या दे रहे हो। उसके बाद फिर मानने लगे कि हम लोग घर से गए हैं, कुछ लोग मोतबर लोग गए हैं, उनकी रिक्वेस्ट करेंगे लिए कि आज ही के दिन बारात है, सब कुछ है, ब्याह है और हमारे पैलेस का और खर्चे सारे आज ही हैं, सारा रस्म रिवाज के साथ। तो फिर बहुत मिन्नतें करने के बाद वो माने हैं कि हम शादी करने आ रहे हैं, और शादी करने आ रहे हैं तो डिमांडें ऐसी रख दी कि वहाँ उस गुरुद्वारे में नहीं शादी करेंगे, दूसरे गुरुद्वारे में शादी करेंगे। फिर शादी करने के बाद हम घर पे नहीं जाएंगे, पैलेस में नहीं जाएंगे, ये बात पहले ही नहीं बताई। जब शादी आए हैं सीधे गुरुद्वारे में और लड़की के साथ शादी करवाई उन्होंने, फेरे करवाए, उसके बाद लड़की को बैठा के सीधे अपने घर ले जाने लगे। तो हम लोग यही यही चाहते थे कि हम जो रीति रिवाज के साथ पैलेस में इंतजाम किया है और घर पर इंतजाम किया है उसके मुताबिक ही लड़की को विदा किया जाए। अब प्रशासन से क्या मांग, प्रशासन से मांग कर रहे हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए और मेरी बेटी को ये रख नहीं सकेंगे। रैंपा डॉटर ऑफ सुभाष चंद्र की अज मैरिज की गुरुद्वारा श्री हिंद की चादर तलवाड़ा रोड से मकेरियां आनंद कार्ज होया। इन्हों का आनंद कार्ज तो बाद जदों डोली चलन लगी आ उदों इन्हों दोवां धिरां दा आपस में तकरार हो गया। जो लड़की के पिता सुभाष चंद्र ने दसाया भी ये साढ़े को एक कार की पैसों की मांग कर रहे थे जो असी नहीं दे सकते सके, इस करके ये लड़की नू छड़ के भज गया। लड़की डोली वाली कार दे विच बैठी छड़ के भज गया उहदा सारा परिवार। तो जो सुभाष चंद्र के बयान से लड़की के पति तरनजीत सिंह, सस रजिंदर कौर अते सौरा रविंदर सिंह के खिलाफ मुकदमा 498A IPC 3/4 डोरी एक्ट के तहत दर्ज करके तफ्तीश आरंभ कर दी है।